तो कोच राहुल द्रविड़ ने घोषित करी दूसरे टी20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11। इन 11 खतरनाक खिलाड़ियों के साथ उतरेगी टीम इंडिया। ऋषभ पंत सहित 3 दिग्गज खिलाड़ी हुए शामिल। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट देखो जी में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और इंग्लैंड के दूसरे टी20 मैच के लिए कोच राहुल द्रविड़ ने आखिरकार भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की घोषणा कर दी है। राहुल द्रविड़ ने कौन कौन से खिलाड़ियों को शामिल किया है, कौन से खिलाड़ियों को बाहर किया है, ऋषभ पंत सहित कौन से दिग्गज खिलाड़ी भारतीय टीम में एंट्री कर चुके हैं, पूरी प्लेइंग 11 विस्तार से इस ब्रांड वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी ऋषभ पंत को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक रोमांचक टी20 सीरीज खेली जा रही है। इस टी20 सीरीज का दूसरा रोमांचक टी20 मुकाबला 9 जुलाई 2022 को खेला जाने वाला है, जो कि दोस्तों भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। यह मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन स्टेडियम में खेला जाने वाला है, जहां दोस्तों भारत और इंग्लैंड दोनों ही टीमों के बीच एक बार फिर से हमें कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। भारत और इंग्लैंड के बीच हाल ही में खेले गए पहले टी20 मैच में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 50 रनों से मुकाबले को जीत लिया था, जहां दोस्तों भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 198 रन बनाए थे। जवाब में इंग्लैंड की टीम 148 रन पर ही ऑल आउट हो गई थी, जहां भारतीय टीम के बल्लेबाजों और गेंदबाजों के द्वारा इस मैच में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला था, जहां खासतौर पर बल्लेबाजी में दीपक हुड्डा, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने अपना जलवा बिखेरा था। तो वहीं पर दोस्तों गेंदबाजी में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या ने 4 विकेट, इसके अलावा युजवेंद्र चहल और अर्शदीप सिंह ने 2-2 विकेट हासिल किए थे। जहां दोस्तों इस मैच के बाद मैन ऑफ द मैच का खिताब हार्दिक पांड्या को दिया गया था। कुल मिलाकर देखा जाए तो पहले टी20 मैच में हार्दिक पांड्या ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। अब दोस्तों भारतीय टीम दूसरे टी20 मैच को जीतकर सीरीज पर अपना कब्जा जमाना चाहेगी, क्योंकि ऑलरेडी भारतीय टीम ने पहला टी20 मैच जीतकर सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। ऐसे में दोस्तों दूसरे टी20 मैच में भारतीय टीम में कई सारे दिग्गज खिलाड़ी वापसी कर रहे हैं, उनकी एंट्री होने जा रही है। दूसरे टी20 मैच में हमें कई सारे दिग्गज खिलाड़ी खेलते हुए नजर आ सकते हैं, जैसे कि ऋषभ पंत, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ियों की वापसी हो चुकी है। आखिर राहुल द्रविड़ के मुताबिक दूसरे टी20 मैच के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 क्या होगी, तो चलिए पूरे विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर रोहित शर्मा और दीपक हुड्डा खेलते हुए नजर आ सकते हैं। ईशान किशन को दूसरे टी20 मैच से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों ईशान किशन पहले टी20 मैच में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, जहां दोस्तों रोहित शर्मा ने पहले टी20 मैच में बेहतरीन बल्लेबाजी की थी और 24 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। इसके अलावा दीपक हुड्डा ने भी पहले टी20 मैच में कमाल का प्रदर्शन दिखाया था। तो इन दोनों ही इनफॉर्म बल्लेबाजों से दूसरे टी20 मैच में शानदार शुरुआत की उम्मीद होगी। इसके अलावा नंबर 3 पर आप सभी को विराट कोहली वापसी करते हुए नजर आएंगे। विराट कोहली के लिए यह टी20 सीरीज काफी अहम होने वाली है। अगर विराट कोहली यह टी20 सीरीज में अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखाते, टी20 वर्ल्ड कप से विराट कोहली को बाहर किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में विराट कोहली पर काफी प्रेशर भी बन चुका है, तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि विराट कोहली किस तरह का प्रदर्शन कर पाते हैं। तो वहीं पर नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव खेलते हुए नजर आ सकते हैं। सूर्य कुमार यादव ने भी पहले टी20 मैच में ताबड़तोड़ रन बरसाए थे और भारत की तरफ से टी20 क्रिकेट में सूर्य कुमार यादव काफी बेहतरीन प्रदर्शन कर चुके हैं। अब तक भारतीय टीम की तरफ से उन्होंने 17 टी20 मैचेस खेले हैं, जहां उनके बल्ले से 405 रन देखने को मिले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अब दूसरे टी20 मैच में भी ताबड़तोड़ रन बरसाए। इसके अलावा नंबर 5 पर आप सभी को विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर ऋषभ पंत की वापसी होते हुए नजर आएगी। जी हां दोस्तों, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में ऋषभ पंत के बल्ले से ताबड़तोड़ शतकीय पारी देखने को मिली थी और टी20 क्रिकेट के ऋषभ पंत स्पेशल खिलाड़ी माने जाते हैं। तो इसमें वापसी करने के बाद ऋषभ पंत अपने बल्लेबाजी से आग उगल सकते हैं। इसके अलावा नंबर 6 पर आप सभी को ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर हार्दिक पांड्या खेलते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, पहले टी20 मैच में हार्दिक पांड्या ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता था। हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट, बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी, कमाल का प्रदर्शन दिखाया, जिसके बाद भारतीय टीम उनसे काफी खुश है। इसके अलावा दोस्तों नंबर 7 पर आप सभी को रविंद्र जडेजा खेलते हुए नजर आएंगे और इस ऑलराउंडर खिलाड़ी की भारतीय टीम में वापसी होते हुए नजर आएगी। अक्षर पटेल को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। जडेजा की बात की जाए तो जडेजा भी बल्लेबाजी में बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, साथ ही में गेंदबाजी में भी 4 ओवर्स डालकर बेहतरीन गेंदबाजी करके विकेट्स भी दिलाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों जडेजा का प्रदर्शन भी
देखने लायक होगा। तो वहीं पर नंबर 8 पर एक बार फिर से युजवेंद्र चहल को मौका दिया जा सकता है। भारतीय टीम में अभी फिलहाल में अगर कोई बेहतरीन स्पिनर गेंदबाज मौजूद होगा तो वह है युजवेंद्र चहल। जी हाँ दोस्तों, पहले टी20 मैच में चहल ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट हासिल किए थे। इसके अलावा हाल ही में चहल ने टूर्नामेंट में सबसे अधिक विकेट हासिल किए थे। तो ऐसे में मानो कि चहल काफी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, तो इन्हें मौका तो मिलना लगभग तय है। इसके अलावा दोस्तों नंबर 9 पर तेज गेंदबाज के तौर पर उमरन मलिक को मौका दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस गेंदबाज को लगातार अब मौके मिलने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों टी20 वर्ल्ड कप के लिहाज से यह गेंदबाज काफी अहम होने वाला है और भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में इनकी जगह बनते हुए नजर आ सकती है। अगर उमरन मलिक बेहतरीन प्रदर्शन कर पाते हैं तो टी20 वर्ल्ड कप में इनका टिकट तो लगभग तय है। इसके अलावा दोस्तों नंबर 10 पर अनुभवी खिलाड़ी के तौर पर भुवनेश्वर कुमार खेलते हुए नजर आ सकते हैं। जहां भुवनेश्वर कुमार पिछले कुछ समय से लगातार टी20 मैचेस खेलते हुए नजर आ रहे हैं, जहां दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने टी20 मैचेस में बेहतरीन प्रदर्शन किया था, उसके बाद आयरलैंड के खिलाफ और फिर अब इंग्लैंड के खिलाफ भी इनके द्वारा शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो वहीं पर दोस्तों नंबर 11 पर तेज गेंदबाज के तौर पर जसप्रीत बुमराह की वापसी होने जा रही है। जी हां दोस्तों, जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम के अहम गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं और हाल ही में जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में काफी बेहतरीन गेंदबाजी की थी। तो ऐसे में जसप्रीत बुमराह से भी बेहतरीन गेंदबाजी की उम्मीद होगी, क्योंकि जसप्रीत बुमराह हाल ही में आईपीएल में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। तो ऐसे में इन पर भी सभी की नजरें होगी। दोस्तों कुछ इस तरह से भारतीय टीम की प्लेइंग 11 होगी। ऐसे में आपको क्या लगता है, भारतीय टीम क्या दूसरा टी20 मैच जीत पाएगी? उसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर दें।